वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सवाल है कमेंट कीजिए, और भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल के आइकन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि घंटा नहीं दबाया तो घंटा नोटिफिकेशन मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई फोटो के साथ। अगर आप अपनी खुद की फोटो कुछ इस तरह की बनाना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। इस फोटो एडिटिंग में जितनी भी फोटो की जरूरत होगी उन सभी फोटो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप यही फोटो फोटोशॉप में एडिट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने PSD नाम की फाइल के लिंक भी दी हुई है। आप उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसे फोटोशॉप में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के लेयर ओपन हो जाएंगे। इन सभी लेयर में से आपको ये वाली लेयर डिलीट करके अपनी खुद की फ़ोटो यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद उस फोटो को उस पोजीशन में सेट कर लीजिए और बस हो जाएगा। और आपको थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ेंगे, अगर आपको फोटोशॉप आता है तो वो आप कर दोगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसी फोटो को पिक्सआर्ट से कैसे एडिट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनती है। सबसे पहले हमें इस वाली फ़ोटो की बैकग्राउंड को इरेज करना है कुछ इस तरह से। अगर आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड को किस तरह से इरेज करें तो यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक है। आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे किस तरह से बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। जो बैकग्राउंड है उसे सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे शेयर में, पिक्सआर्ट, ऐड फोटो पे क्लिक करके दो फोटो ऐड करेंगे। हमें सबसे पहले ये वाली फ़ोटो को सेट करना है। फिर जाएंगे यहाँ इफेक्ट में, वहाँ से ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट सिलेक्ट करके इरेजर में जाएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेंगे। यहाँ से डन कर लीजिए, दोबारा से डन कीजिए। दूसरे नंबर की फोटो को सिलेक्ट करके सेट कर लीजिए। ब्लेंडिंग स्क्रीन इरेजर, इरेजर की साइज सेट कर लीजिए, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लीजिए। यहाँ से डन कर लीजिए, दोबारा से डन कीजिए। फिर से जाएंगे ऐड फोटो में, इन सभी फोटो को उसकी जगह पे सेट करना है। फोटो को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग, वहाँ पे स्क्रीन, जूम इन करके फोटो को सेट कर लीजिए उसकी जगह पे। ब्लेंडिंग स्क्रीन, ब्लेंडिंग स्क्रीन, ब्लेंडिंग स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड फोटो। जो हमने भी सेम प्रोसेस की वही प्रोसेस दोबारा से। फिर यहाँ से डन कर लीजिए, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को उसकी जगह पे सेट कर लेंगे। फिर यहाँ से डन कर लीजिए,
इफेक्ट में जाएंगे, आर्टिस्ट पेटल वन सेटिंग में जाके सेट कर लीजिए। इरेजर में जाएंगे, यहां से डन कर लीजिए, दोबारा से डन कीजिए। अब दोस्तों फोटो तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहे तो इस फोटो में और भी फिल्टर और इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने फाइनली सब फिल्टर और इफेक्ट ऐड करके कुछ इस तरह का फोटो बनाया है। बस दोस्तों तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कमेंट और शेयर करते जाना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।